आज ना धूप में वर्क किया था काफ़ी टाइम तक, और उससे ना इतनी खतरनाक वाली टैनिंग हुई है। वैसे नॉर्मल फेस को देख रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, बट पैरों की तरफ ध्यान दिया तब जाके पता चला कि 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप सनलाइट के अंदर रहते हैं तो इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है अपनी स्किन के ऊपर। तो जब मैं वर्क कर रहा था तब मैंने चप्पलें पहन रखी थी बड़े स्ट्रैप वाली, तो यहाँ पे उसके मार्क बन चुके हैं और ये है सूरज की करामात। वैसे डे टू डे लाइफ में इतना पता चलता नहीं है कि सनबर्न कितना अफेक्ट कर रहा है स्किन को। यहाँ पे भी डबल शेड बनी पड़ी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ से स्किन डार्क है और यहाँ से थोड़ी सी लाइट कलर में है। तो ये वाली जो टैनिंग हुई है ना वो सिर्फ आज ही के दिन में हुई है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मैं धूप में था, कुछ काम कर रहा था और उसी दौरान ये सब हुआ। तो अभी मैंने नोटिस किया, जैसे ही शावर लेके बाहर निकला तो मैंने देखा भाई पैर पे क्या हुआ पड़ा है, तो ध्यान से देखा फिर याद आया कि आज तो धूप में काम किया था उसकी वजह से हो गया ये सब। अभी ना करते हैं वर्कआउट और फिर उसके बाद मिलते हैं। अरे सच्ची में नहीं है, बाद में मुझे कोट करोगे कि ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है यूट्यूब पे, तो ये सच में अल्कोहल नहीं है, बट ये क्या है, हैंड सैनिटाइज़र है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड करवा रही है, और ये बनाए शुगर मिल की डिस्टिलरी में जहाँ पे देसी शराब वगैरह बनती है। तो ये लिखा हुआ है इसमें गंगानगर शुगर मिल, और ये देख सकते हैं आप, ये है हैंड सैनिटाइज़र। तो ये क्या है, बेसिकली प्योर फॉर्म होती है, अभी मेडिकल स्टोर्स पे यही मिल रहा है, डेटॉल लाइफ बॉय वगैरह के जितने भी हैंड सैनिटाइजर थे वो चल रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो अपनी डिस्टिलरी थी जहाँ पे वो शराब वगैरह बनाते हैं शुगर मिल वाली, उसके अंदर अब क्या है इसका प्रोडक्शन हो रहा है हैंड सैनिटाइजर्स का। तो ये कमर्शियल लेवल पे वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। तो ये आज मैंने मंगवाया था पदमपुर से, तो इसको अभी क्या है इसमें स्प्रे पंप में फिल करेंगे क्योंकि इसका ये ढक्कन का क्वालिटी है बिल्कुल नकली सा, ये लीक हो रहा है। और प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ का ये है और 180 ml टोटल इसमें मिल रहा है देखने को। तो इसको हम क्या है स्प्रे बोतल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि बाद में क्या है इसे यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। जो हैंड सैनिटाइज़र हम बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, प्योर अल्कोहल होता है वो। इसमें क्या किसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस वगैरह मिक्स नहीं की गई होती है, ये प्योर फॉर्म होती है अल्कोहल की। तो ये सबसे बेस्ट यही रहता है। तो इसको स्प्रे, दो स्प्रे मारोगे अपने हाथ पे तो ईजिली हैंड अपने सैनिटाइज हो जाएंगे। शराब जैसी बदबू आ रही है इसमें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है काफ़ी सारी, और इसी के साथ कुछ लोग नकली हैंड सैनिटाइजर भी बना के बेच रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या शेविंग लोशन और वो गुलाब जल वगैरह मिला मिला के बेच रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स पकड़े भी गए हैं, न्यूज़ में भी आते हैं। सो इससे बचने के लिए राजस्थान के अंदर तो अभी फिलहाल ये अवेलेबल है और शायद राजस्थान के बाहर भी इसकी सप्लाई जाती है। बात करें प्राइस की तो ना ज़्यादा कॉस्टली है और ना ही हम इसे चीप कह सकते हैं, तो मीडियम लेवल के प्राइस पे हमें अवेलेबल हो रहा है। और इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ख़राब है, ये ढक्कन यहाँ से बिल्कुल लीक हुआ पड़ा है। आज ना अपने इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या हो चुकी है लगभग 6,500, एंड एक ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट ना किया गया होता इतना स्ट्रिक्टली तो ये संख्या 8,20,000 तक पहुंच सकती थी 15 अप्रैल तक। बट काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया ने टाइम रहते हुए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और इसका काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। यार आप ना अक्सर वीडियोस को देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, कमेंट भी करते हो, बट क्या करते हो ना लाइक नहीं करते वीडियो को। तो वीडियो को लाइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वीडियो को रैंक करवाने में।
तो प्लीज अगर आप देखने का कष्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक बटन ही तो दबाना है, लाइक करके जरूर जाया कीजिए वीडियो को। इससे दो काम होते हैं, एक तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और सेकेंडली अपना वीडियो अच्छे से रैंक करता है। सो प्लीज वीडियो देखते ही सबसे पहला काम कीजिए कि लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिए। आज ना मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है, स्प्रेयर पंप, तो उसको मैंने रिपेयर किया है, तो कल अपने पूरे घर को सैनिटाइज करेंगे उसकी हेल्प से, क्योंकि हफ्ते में एक बार घर को सैनिटाइज करना भी जरूरी है। एंड अभी पीछे 2-3 दिन पहले जो रोड्स को सैनिटाइज वगैरह कर रहे थे उन्होंने घर के अंदर आके पूरा सैनिटाइज कर दिया था अच्छे से, तो 3-4 दिन हो गए उस बात को, तो कल हम अपने लेवल पे घर को सैनिटाइज करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि धूप में वर्क कर रहा था तो मैं उसी को रिपेयर कर रहा था, उसमें छोटा सा ना इलेक्ट्रिक फॉल्ट था तो उसको मैंने रिपेयर किया। अभी मैंने ना उसको चार्ज लगा के रखा हुआ है, तो सुबह तक वो चार्ज हो जाएगा, फिर सुबह उससे क्या करेंगे अपने पूरे घर को सैनिटाइज करेंगे। अभी बारी आ चुकी है अपने हथियार उठाने की, तो हमारा सबसे खतरनाक हथियार जिसे बोलते हैं पेन, और टारगेट है हमारा ये, जिसे कर दिया हमने बीट, तो कर देते हैं हम 17th डे को भी कट, तो 17 दिन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड अभी हमारे पास 4 डेज का चैलेंज बाकी है, और हाँ ये 4 दिन लॉकडाउन के नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी लॉकडाउन तो भाई साहब डेफिनेट सी बात है आगे बढ़ने ही वाला है, लेकिन हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में, रेगुलर 21 डेज ब्लॉक वाला। अब फटाफट से इस वीडियो को करते हैं एडिट और फिर करेंगे इसे अपलोड, एंड आपसे मुलाकात होगी कल एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेते हुए, जय हिंद जय भारत।